आज आप कहाँ जा रहे हो थोड़ा बताओ पब्लिक को। अच्छा इवेंट कहाँ करने जा रहे हो? अच्छा आज राजस्थान में पहुँचोगे? आज राजस्थान में किस जगह पहुँचोगे आप? राजस्थान में पौआ दो इस गई ठेका देड़ी जो मिलने गए थे। मेरे को पौआ खा के एनर्जी आई। हां बोल पौआ। आपने बोला ना पौआ, आपसे पौआ पौआ जो मैडम बोलेगी वही होगा। बोल बोलो बताया क्या कहते हैं? मैं ठीक हूं यार, मैं खाऊंगी के बाद में। सो हेलो हाय नमस्कार, सुबह के बज रहे हैं 10:24, आंखें मेरी थोड़ी सी खुली हुई हैं, बाकी हम खोल लेते हैं। सो आपका स्वागत है बहुत बहुत ज़्यादा कोरिना गोरी के इस ब्लॉग पे, और मैं उनकी ऑफिशियल एंकर। और आज हम लोग जा रहे हैं कोटा में। कोटा में एक जगह है अंत, जहाँ की आज इनकी अनंत परफॉर्मेंस होने वाली है। सो ये अंता, सॉरी मैम ने ऑटो करेक्ट कर दिया, अंता मेरा बजट थोड़ा कम था तो मेरे वर्ड्स भी थोड़े इधर उधर हो गए। सो अंता में आज मैम का शो, और अब आपको मिलवाते हैं उनसे जिनका धमाकेदार शो है। Here we go! So, आज के शो के लिए आप कितने एक्साइटेड हो? बहुत ज़्यादा, क्योंकि राजस्थान के शो होते तब मैं वैसे भी बहुत खुश होती हूँ, और वहाँ के लोगों का जो मुझे प्यार मिलता है ना वो कतई लाजवाब होता है। तो आज से पहले मतलब मैंने जितने भी शोज आपके साथ किए सब लोगों ने मेरे से हमेशा एक DM पे मैसेज आया है कि मैम से जब भी मिलना ये पूछना कि उनकी एनर्जी का राज क्या है। मतलब पूरी दुनिया में ब्लैक कॉफी से लेके सारी चीजें लोग ट्राई कर चुके हैं, आपकी एनर्जी का एग्जैक्ट राज। पहले तो मैं चाय पीती थी, अभी कुछ टाइम से मैंने चाय भी बंद कर रखी है। तो ये तो बस इन सबका और मेरे जितने चाहने वाले हैं ना उन सबका प्यार है। राजस्थान तो जैसे ही उनको देखती हूँ ना तो मेरे पैर वैसे भी बस में नहीं रहते, भनकने लग जाते हैं। सो मैम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो इन्होंने कुछ खाया नहीं है, सुबह से रात को शूट खत्म करके आई है। तो पहले मैंने कॉफी, मैंने वेट कम कर लिया है, वेट कम कर लिया के साथ साथ बहुत लेंथी आर्टिस्ट हैं। हाँ थोड़े दिन में एप्स एप्स निकल जाएंगे फिर सिस्टम हैंग हो जाएगा। क्यों ना कहना, फेस छोटा लग रहा है। सो आपको इस ब्लॉग में बहुत सारा प्यार देना, और हम आपको स्टेज पे भी दिखने वाले हैं, और वहाँ पे भी हम छोटे छोटे ब्लॉग बनाते रहेंगे आपके लिए, और आपका ऐसे ही मनोरंजन करते रहेंगे। गाड़ी में ये सोती नहीं है, हम आपको ये भी दिखाने वाले हैं। ब्रेकफास्ट के टाइम पे कुछ खाती नहीं, हम आपको ये भी दिखाने वाले हैं। और इन सब के बाद भी इनकी शो पे एनर्जी क्या रहती है हम आपको वो दिखाने वाले हैं। तो स्टे ट्यून विद अस कोटा की जनता। अरे उन सबको पता है एनर्जी का, तो है ना, पता है ना आप सबको सीक्रेट है वो, अभी भी वो बाद में बताएंगे। अच्छा। शो की परफॉर्मेंस होने के बाकी ये पौवा लेके चढ़ेगी। तो मिलते हैं कुछ ही देर बाद, चलो स्टे ट्यून और कुछ नए अपडेट के साथ। बाय बाय। पूरी हमने आज तक की न्यूज नहीं होती रिपोर्टिंग। अब एक तो नहीं आ रहे, क्या गाना आपको क्या गाना पसंद है आपको ये बताओ। मतलब आपकी ऑडियंस को पता है आपको डांस करना पसंद है, आपकी ऑडियंस को पता है कि आपको किस तरीके से मतलब जाके लोगों में इन्वॉल्व होना पसंद है। आपकी ऑडियंस को आज ही बताते हैं कि आपको खाने में पसंद है, आपको ब्रेकफास्ट में ज़्यादा क्या पसंद है? खाने में तो मुझे सब पसंद है, पर अभी सारा छूट रखा है। क्यों डाइटिंग? हाँ तो अभी तो यही पोहा खा लेते हैं। नहीं पहले पोहा को ठीक से प्रोनाउंस करो, मैं आपको बताती हूँ। मैं जैसे यहाँ पर आई इन्होंने मुझसे पूछा क्या खाना है, मैंने इतने प्यार से बोला पोहा। अब आप ये बताओ कि आपको पोहा सुबह सुबह सुनाई क्या दिया? शायद मेरे कान ज्यादा ही सुन लिए, मैं तो पोहा नहीं सही 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 बताओ, इन्होंने पोहा नहीं बोला? पोहा नहीं बोला इन्होंने, पोहा ऐसा बोला, पोहा पोहा बोला था, जाने हुआ बोला। इसका मतलब आज दिक्कत की डिटेल निकल गई ना, फ्लो फ्लो में निकल गया, फ्लो फ्लो में निकला है। सच्चे आदमी को बदनाम किया जा रहा है यहाँ पे बहुत प्यार से। एक बार बोलना, एक बार बोलना पोहा, पोहा बोला। ये जो मेरे आसपास की ऑडियंस है ना ये बिल्कुल भी ऐसे कुछ बातें नहीं, सुनो बताओ पौआ। हाँ ऐसे बोला था पौआ। हेलो किस चीज़ पे डिस्कस हो रही है? मतलब आप ये सोया हुआ था पौआ बोला था इस पे, मेरे को बोला था इस पे सर। देखो जिसको पौआ पौआ सुनाई दे रहा है इनके से निकल गई, इनको सुनाई नहीं देगा क्योंकि इनके अंदर का जज्बा सुना है। हाँ
आपने पोहा नहीं बोला, आपने पौआ बोला। मेरा कोई रोल ही नहीं आता, प्लीज कट कर दो, प्लीज कट कर दो, ऐसे तो दो ही गवाह चाहिए होते हैं। एक 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 बार आप बोल करता ना, 3 4 5 6 7 एक बार आप बोल करता, वैसे एक सिंगल वोट है मेरा खुद को, बाकी सारे वोट नहीं नहीं आप बताओ ना, मैं नाम बताऊं, एक बार बोल के तो बताओ ना पौआ, एक बार बोलना पौआ बोला तो मैंने, आपने पूरी नहीं नहीं पौआ बोल के बताओ, एक बार बोल के तो बताओ ना पौआ, मैंने पोहा बोला था, नहीं बोला। चलो आ गया है पोहा इनका, अब इनको खा ले दो, अच्छे से प्याज का डेकोरेशन किया है, ये इनका पौआ आ गया, अब ये इनको पिएंगे, एक नंबर एकदम बस डाल पौआ आई है, इसमें प्याज लिए हैं, नमकीन भी और अंदर क्या है वो हम आपको खा के बताएंगे, आपने कुछ खाना नहीं, मैं तो सिर्फ कॉफी पे चल रहा हूं, कॉफी एंड फ्रूट्स, यू नो मैं डाइट पे हूं, यू नो मैं डाइट पे हूं, क्या लोग पूरा डाइट वाइट करना, प्रेशर कम डालो, तो ये कुछ खाते नहीं, एक्शन द्वारा करना, एक्शन अच्छा लगता है, द्वारा भी किया कर दो, ये डाइट आया हाथों से, मैं ओजी वाला फील ले रही हूं, इनको देख के ओजी वाला, इनको देख के ओजी ये मत सोचना कि मैं डाइट करूं, मैं ऑर्गेनिक ऐसी हूं, अच्छा है ना, ना बढ़े ना घटे, मैं तो 4 कटोरे खा लूंगी तब भी मेरा कुछ नहीं होगा, कटोरा नहीं खाना, ये अंदर वाला मटेरियल खाना, 4 कटोरे नहीं खाना, हां भाई करो, एक साल का नहीं, कटोरा नहीं खाना, कटोरे खाओगे दांत टूट जाएंगे, डाइट ये कटोरे खाओगे दांत टूट, भाई आज के लिए ना जितनी बेइज्जती हो गई मेरी उतनी काफी है, तो अब थोड़ी डाइट करो, चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद, निकाल दो आप, पानी रोक के दूध छोड़ के चुनाव लड़ेगी, इसके बाद भी आप कार्यक्रम चालू देंगे? हाँ देखते हैं, ये तो शौक है मेरा, पैशन है, तो देखते हैं, अगर हाँ कुछ टाइम निकालूंगी मैं, बाकी पूरा राजनीति। बिग बॉस से यहाँ तक का सफर कैसा रहा? बहुत बढ़िया, आपके सामने आए जब कैसा देखो आप, मतलब पहले और अभी में क्या अंतर? बहुत अंतर है, एक तो जैसे कुछ लोग नहीं जानते थे वो सब जानने लग गए हैं, और पहले से ज्यादा रिस्पेक्ट मिलने लगी है, और सम्मान मिलने लग गया है, और करने के बाद दो सुंदर लड़कियों के चेहरे पर जरा भी शकल नहीं है, डार्क सर्कल है वो हमारी मेहनत है, ये जो डार्क सर्कल है ये हमारी मेहनत है, वैसे कोई शिकन नहीं है, सो हम लोकेशन पे आ चुके हैं, अब मिलेंगे सीधे रेडी होने के बाद, सो गाइस स्टे ट्यून विद अस, और
बने रहो, थोड़ी देर में वो धाकड़ सी परफॉर्मेंस जिसको देख के आपकी हार्ट बीट, इससे पहले तो मेकअप करते हुए के वीडियो बना देंगे दो तीन, फिर तो इनका हार्ट फेल हो जाएगा। देख अपना हार्ट बचा के रखना, ठीक है? जो भी तो आज आपकी टीम जो गाड़ी में एक्साइटमेंट दिखा रही है, ये क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? एक बार तुम दिखा के तो देखो लोगों को। आपा ना मजे करते आ रहे थे, आपा मजे करते आ रहे थे। बुलाते हैं अब आपको सभी की शाम की शाम को कोई ना कोई दावत बीमारी। आप सब लोग ना थोड़ी सी ताली बजाना मत बजाना, लेकिन अपनी